मीडिया से चर्चा में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह, पीसी शर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रजापति, जीतू पटवारी ने चर्चा की और देश प्रदेश में कोरोना और महंगाई के लिए भाजपा को दोषी ठहराया। सहयोगी भूमिका जिनका इतिहास गद्दारी कर रहा है, ग्वालियर से लेके दूर तक, उन लोगों ने हमारा साथ दिलाया जिन्होंने झांसी की रानी को दगा दी, कांग्रेस को दगा दी, उनका साथ था। बात यह है साथियों कि काला दिवस मनाना इसलिए भी हम लोगों की आवश्यकता है कि प्रदेश की जनता हमारे साथ जरूर है, पर दूर अंचल के गांव तक इस बात का मैसेज आपके जरिए जाए कि एक अच्छी सरकार को भाजपा देख नहीं सकती। बात दूसरी है, आज ये लोग 100 दिन का जश्न मना रहे, भाई लोग 100 दिन का जश्न मना रहे, मैं सीधी की घटना आपको आज तक आप तक पहुंची होगी। एक आदिवासी युवती की मौत होती है, उसके परिवार को दाह संस्कार का पैसा नहीं मिलता, उसे नदी में आज उसका शव बहाया गया। दूसरी घटना छतरपुर की है, जहां एक विकलांग युवती के साथ बलात्कार होता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 100 दिन का जश्न मना रही है। ये वो लोग हैं जब कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, 8-9 दिन बाद हम अपनी मंत्रिमंडल बना रहे थे, तब ये भाजपा के मेंढक निकल के आए थे। अरे लूली लंगड़ी सरकार है कमलनाथ की, ये मंत्रिमंडल नहीं बना पा रही है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के मेंढक अपने फिरेबा में झांक ले, 100 दिन हो गए तुम्हें, आगे से तुम्हारा मंत्रिमंडल दूर दूर तक नहीं है। अरे भाई जरा इधर आ जाना, 8-8 तो वहाँ चला जाना भाई, 8-8 धड़े, कैसा आदमी है, 8-8 ग्रुप नहीं तो शिवराज का ग्रुप, ग्वालियर वाले भैया नरेंद्र तोमर का ग्रुप, नरोत्तम मिश्रा का ग्रुप, कैलाश विजयवर्गीय का, गोपाल भार्गव का।